नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप जैसे युवाओं के लिए एक नया अवसर लेकर के छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा फिर से एक आदेश बहुत जल्द जारी होने वाला है। ये आदेश जो है आपका कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी पूरी तरीके से पता चल जाए। आपने थंबनेल पर देख लिया है कि 1,750 पदों की शानदार भर्ती होने वाला है, जहां पर आप लोगों ने देखा कि नर्स और स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है। खाली पदों के लिए प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, अम्बेडकर अस्पताल में 300 नर्सों सहित आपका 450 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि है तो यहाँ पर तो 750 हो रहा है सर, तो नहीं, यहाँ पर और बाकी जो अस्पताल है वहां भी 1,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होना अभी बाकी है। इस प्रकार से आप पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसका विथ प्रूफ भी आपको देने वाला हूँ, आप लोग पेपर कटिंग भी देख सकते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में 300 नर्सों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 150 पैरामेडिकल का है और 150 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और अगले हफ्ते इसे मेडिकल कॉलेज डीन के माध्यम से DME व शासन को भेज दिया गया है। एक साथ 450 पदों पर भर्ती के लिए युवतियों के साथ ही युवाओं को भी नए मौका मिलेंगे। नई भर्ती होने से अस्पताल में होने वाली मरीजों की इलाज देखभाल और जांच में भी आसानी होगी। अंबेडकर अस्पताल में 1,252 से ज्यादा बेड है, लेकिन नर्सों की संख्या जो है बहुत कम है, 150 से लेकर के 175 जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। इस वजह से कई बार मरीजों के परिजन बेहतर इलाज नहीं कराने की शिकायत भी करते आ रहे हैं। तो 6 माह पहले 100 से ज्यादा नर्सों का प्रमोशन के बाद उनका तबादला दूसरे जिला में हो चुका है। इस वजह से अस्पताल में नर्सों की जो कमी हुई है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ASI में 50 नर्सों की भर्ती, लेकिन वहां अब भी पद खाली है। तो अंबेडकर अस्पताल में भी एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट है, जो 4 साल पहले कार्डियोलॉजी व कार्डियक सर्जरी विभाग यहां शिफ्ट हुआ था। तो यहां पर 50 नर्सों की भर्ती हुई थी, लेकिन इन नर्सों में आपका अस्पताल के से दूसरे वार्डों में तैनात कर दिया गया। इस तरह से वहां पर जो है खाली देखने को मिल गया है। दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे, यहां पर आप लोगों को स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि बाकी अस्पताल में भी 1,000 से ज्यादा पदों की नियुक्ति होनी है। तो डॉक्टर अंबेडकर की नहीं बल्कि प्रदेश के बाकी 8 मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल अस्पताल है, अस्पतालों में भी नर्सों के 1,000 से ज्यादा पद खाली है। जैसे कि सिम्स बिलासपुर है, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कांके, जगदलपुर, महासमुंद। तो इस प्रकार से नर्सों की भर्ती की जाएगी। तो इसके लिए नियम पहले बन चुके हैं। नए सेटअप के अनुसार कितने नर्सों की भर्ती की जानी है, इस पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये सभी भर्ती रेगुलर होगी, इससे सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे नर्सों को जो बड़ी राहत है, जो BSc नर्सिंग करके बैठे उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, डॉक्टर SBS नेता अधीक्षक अंबेडकर अस्पताल का कहना यह है कि 300 नर्सों की नियमित भर्ती की मंजूरी मिल गई है। हाँ डॉक्टर, यहाँ पर अधीक्षक जो है अंबेडकर अस्पताल के, उन्होंने कहा है कि 300 पदों की भर्ती के लिए जो है मंजूरी मिल गया है। पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने प्रस्ताव तैयार है, जल्द ही शासन को इसको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे पदों के लिए जो है, अर्थात नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए जो भर्ती होने वाली है उसके लिए जो है मंजूरी के लिए बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। और ये जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 3 माह में प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगा। युवाओं को नौकरी देने और इलाज बेहतर कराने करने के शासन नए नियुक्तियों का रास्ता साफ किया है। तो अंबेडकर अस्पताल सबसे पहले अस्पताल होने के बावजूद यहां नर्सों का सेटअप 550 बिस्तरों के हिसाब से है। अस्पताल में लगातार बेड की संख्या बढ़ती जा रही है।
तो इस प्रकार से, लेकिन इसके अनुसार नर्सों की जो संख्या है नए सेटअप के अनुसार नहीं बनाया गया। इस वजह से अभी जो नए पदों की मंजूरी दी गई है, अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि वो 2 से 3 महीने तक की जो आपका जो समय अवधि है उस पर जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को भर्ती जो है मिल देखने को मिल जाएगा। अर्थात ये जो भर्ती आने वाली है 2 से 3 महीना में आपका भर्ती हो जाएगा। अगर ये तैयारी आपको किस प्रकार से करना है, क्या इसका पेपर ऑनलाइन होगा, क्या व्यापम लेगा, क्या पीएससी लेगा, इसकी पूरी जानकारी आगे की वीडियो में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।